तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों यहाँ पर एक और नई वैकेंसीज निकल कर आ रही है मध्य प्रदेश के अंतर्गत। तो दोस्तों आप आवेदन कैसे कर सकते हैं वो आपको मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि न्यू अपडेट आप सभी को मिलती रहे। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर जो वैकेंसीज निकाली गई हैं, पहली जो है आपकी कार्यालय सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जो भर्ती है आपकी कार्यालय कलेक्टर पन्ना में, इसके आवेदन दोस्तों आपके 17/10/2022 से 31/10/2022 तक रहने वाले हैं। उसके साथ साथ दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं इस लिंक के माध्यम से आप अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों यहां पर एक और वैकेंसी आप देख सकते हैं, रिक्वायरमेंट ऑफ जूनियर इंजीनियर एंड असिस्टेंट इंजीनियर की, फॉर्म इसके 20/10 से स्टार्ट है और 31/10/2022 तक चलेंगे। आपको दोस्तों यहां से आप अपनी रूल बुक डाउनलोड कर सकते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं, लिंक आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उसके साथ साथ दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं इस पोस्ट को अप्लाई कर पाएंगे। वहीं पर दोस्तों एक पोस्ट जो है आपकी यहां पे मैनेजर टेक्निकल रिक्वायरमेंट, जो आपका मध्य प्रदेश जल निगम मर्यादित के अंतर्गत ये वैकेंसीज निकाली गई है। फॉर्म स्टार्ट है दोस्तों 7/11/2022 तक इसके फॉर्म चलेंगे। उसके साथ साथ दोस्तों एक पोस्ट और है मध्य प्रदेश में, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड। उसके साथ साथ इसके अंतर्गत दोस्तों अन्य पोस्टें हैं और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर AGM मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर की भी पोस्ट है। उसके साथ साथ सिविल की भी दोस्तों मेट्रो रेल कारपोरेशन मध्य प्रदेश में पोस्ट रखी गई है। अलग अलग पोस्ट के लिए दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं अलग अलग तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर जो फर्स्ट है आप 28/10/2022, 30/10/2022 और 10/11/2022 तक अप्लाई कर पाएंगे। उसके साथ साथ यहाँ पर एक और पोस्ट है दोस्तों आप देख पा रहे हैं, मऊ कंटेंट बोर्ड आपका दोस्तों ये निकाला गया है मध्य प्रदेश के अंतर्गत। 13/10 से फॉर्म स्टार्ट है, 4/11 तक चलने वाले हैं। अब बात आई दोस्तों आपको अप्लाई कैसे करना है, तो जैसे हमारे पास दोस्तों यहाँ पर कार्यालय से डाटा एंट्री ऑपरेटर जिला पन्ना के लिए है, तो यहाँ पर हम अप्लाई वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों तो हमारे सामने एक लॉग इन पेज ओपन होगा, आप देख सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे पहले से दोस्तों आपके पास यूजर नेम और पासवर्ड है तो आप उसे फिल करके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है दोस्तों तो आपको यहाँ पर नॉट रजिस्टर्ड और क्रिएट न्यू अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे दोस्तों आपके सामने यहाँ पर आपकी बेसिक डिटेल ली जाएगी, आपका नेम, लास्ट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, आप जेंडर और आप किस कैटेगरी में आते हैं वो आपको यहाँ पर, अपना मोबाइल नंबर और यहाँ पर आपका ईमेल। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट करना होगा। उसके साथ साथ दोस्तों आप इतनी चीजें करने के बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके मेल और फोन नंबर पर SMS आ जाएगा। उसके साथ साथ दोस्तों फिर आप यहाँ पर लॉग इन कर पाएंगे। जैसे ही दोस्तों लॉग इन करेंगे तो आपके सामने पूरे पेज ओपन हो जाएंगे कि आप किस फॉर्म के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों, ताकि न्यू अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।